नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएससी स्टॉक मार्केट। 13 मई 2024 की एक न्यूज निकल के सामने आ रही है, एक कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है। कौन सी कंपनी है? तो यहां पे आप लोग पीडीएफ देख सकते हो, ओपन है, सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड का, और 13 मई की ये लेटेस्ट खबर है। और जस्ट अभी 2 मिनट पहले ये खबर आई है, यहाँ पे मैं आपको ये सिद्ध करके भी दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो लास्ट इसका अपडेट आया था, एक बोर्ड मीटिंग रखी गई थी 10 मई 2024 को, इसका अपडेट आया था, और जो रिजल्ट से रिलेटेड मीटिंग रखी गई थी, रिजल्ट कब आएगा उसको भी देखेंगे, जो 10 मई को अनाउंस हुआ था, और मीटिंग डेट आगे रखा गया है, अभी हाल फिलहाल में ही है। वहीं पे आज देखेंगे 13 मई 2024 11:55, मतलब कुल मिलाकर कहें 12 बजे के आसपास की एक न्यूज निकल के सामने आ रही है, और 20 मिनट के अंदर अंदर ये वीडियो बना रहा हूँ। जब इसका रिजल्ट आएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा। देखिए ये कौन सी अपडेट है, तो देखिए यहाँ पे इसको एक जो है बासमती राइस के लिए ऑर्डर मिला है जम्मू कश्मीर श्री वैष्णो माता मंदिर की तरफ से, ठीक है ना, ट्रस्ट की तरफ से, उन्हीं के हिंदी में हम लोग कन्वर्ट करके इसको पढ़ लेंगे पूरा क्या है माजरा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि विषय में प्रेस विज्ञप्ति प्रस्तुत करना, एक प्रेस विज्ञप्ति इन्होंने प्रस्तुत किया है जिसका शीर्षक है सर्वेश्वर फूड लिमिटेड ने स्टीम्ड बासमती चावल, इसी चावल की आपूर्ति करना है, स्टीम्ड बासमती चावल की आपूर्ति के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड JNK से एक अनुबंध प्राप्त हुआ है। तो इनसे जो है श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड वहीं JNK से इनको जो है एक ऑर्डर हासिल होता हुआ नजर आ रहा। यहाँ पे बताया गया है कि सेबी की कुछ रूल रेगुलेशन के द्वारा वहीं सर्वेश्वर फूड लिमिटेड को स्टीम्ड बासमती चावल की आपूर्ति के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से एक ऑर्डर या अनुबंध प्राप्त हुआ है। ये एक्सचेंज की जानकारी के लिए है और निवेशकों के लिए भी है। अब देखिए यहाँ पे जो इसका डिटेल दिया गया है, अब इसको देखिए, प्रेस विज्ञप्ति में सर्वेश्वर फूड लिमिटेड ने श्री से एक अनुबंध हासिल किया है, श्री वैष्णो देवी, तो ये बार बार इसी का नाम आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो मेन है, जम्मू 13 मई 2024 सर्वेश्वर फूड को यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि उसे प्रतिष्ठित श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से एक महत्वपूर्ण अनुबंध से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग देखेंगे तो जम्मू और कश्मीर इस अनुबंध के तहत सर्वेश्वर फूड प्रसिद्ध तीर्थस्थल पर अपने प्रीमियम स्टीम्ड बासमती चावल की आपूर्ति करेगा। वहीं पे अगर बताया गया है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को उच्च गुणवत्ता वाले प्रदान करने के लिए अपने समर्पण के लिए जाना जाता है, ने बासमती चावल के एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में चुना है, मतलब वहीं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इनको जो है एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में, चावल आपूर्तिकर्ता के रूप में चुना है। यह चयन सर्वेश्वर फूड की बेहतर बासमती चावल देने की उत्कृष्टता विश्वसनीयता के लिए प्रतिष्ठा को रेखांकित करता है और गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि के लिए कंपनी की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इनके कहने का मतलब है कि श्री वैष्णो माता देवी जो असाइन बोर्ड है, इसने हमें जो है आपूर्ति करने के लिए चुना है, इससे ये साबित होता है कि हम अच्छा चावल प्रदान करते हैं, अच्छा चावल देते हैं, हमारे चावल की गुणवत्ता अच्छी होती है और हम ग्राहक के जो है कह लें कि सेहत का या फिर जो भी संतुष्टि का ख्याल रखते हैं, ये हमारा इसका जो है ये प्रमाण मतलब एक तरह से दे रहा है, ये ऑर्डर हमें जो मिला है ये एक तरह से। सर्वेश्वर फूड के अध्यक्ष श्री रोहित गुप्ता ने कहा है कि श्री माता वैष्णो साइन बोर्ड द्वारा हमारे स्टीम्ड चावल की आपूर्ति के लिए चुने जाने पर हम उत्साहित हैं और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। यह विकास प्रीमियम गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करने और हमारे सम्मानित ग्राहकों के को विशिष्टता के साथ सेवा देने की हमारी प्रतिबद्धता का उजागर है। तो ये भी वही कह रहे हैं, बताया जा रहा है कि सफ़ेद चावल दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा खाया जाने वाला मुख्य भोजन है और सर्वेश्वर फूड यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है कि उसके चावल उत्पाद कड़ी गुणवत्ता नियंत्रण उपायों और टिकाऊ कृषि प्रथाओं द्वारा पालन करके उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं। सर्वेश्वर फूड का यह प्रत्येक उत्पाद ताजगी, शुद्धता और पोषण
मूल्य की गारंटी देता है और इस प्रकार उपभोक्ताओं को पौष्टिक भोजन का अनुभव प्रदान करता है। कुल मिला के ये कह रहे हैं कि हमारा जो चावल है बहुत बढ़िया होता है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से नियंत्रित करते हैं, बहुत अच्छे जगह पे रखते हैं, इसकी गुणवत्ता का अच्छे से ख्याल करते हैं, शुद्धता का अच्छे से ख्याल करते हैं और इसमें पोषक तत्व भी रहे, इसकी भी ये लोग जो है इसका भी ये लोग ख्याल करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे सर्वेश्वर फूड लिमिटेड का रिजल्ट आने वाला है भाइयों, रिजल्ट वही 10 मई 2024 को उसकी घोषणा हुई थी कि रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट के लिए जो मीटिंग डेट रखी गई है वो रिजल्ट के लिए मीटिंग डेट 16 मई 2024 को रखी गई है। तो मतलब आज 13 तारीख हो गया, 3 दिन के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा। वहीं थर्सडे को इसका रिजल्ट आएगा, बृहस्पतिवार को। तो जब भी रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। बाकी डिविडेंड विविडेंड कुछ भी नहीं है भाई, हो सकता है आने वाले समय में बोनस वोनस दे तो वो अलग बात है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, केवल रिजल्ट आने वाला है। बात करेंगे इसके चार्ट की, तो देखिए जब से ये मतलब थोड़ा सा अपडेट आया है तो चलिए उसी लेवल पे, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है इस अपडेट के आने के बाद, जहाँ पे है तहाँ पे ही ट्रेड कर रहा है। अब डेली कैंडल पे इसका हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर देखेंगे तो देखिए मैं आप लोगों को बहुत पहले जब ये वाले लेवल पे था तभी बता दिया था कि आप लोग कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए क्योंकि गिरावट आएगी। 12 रुपये का मैं आप लोगों को सपोर्ट लेवल बताया था और बोला था कि अगर 12 रुपये का लेवल ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो फिर एक इसमें गिरावट आ सकती है, और वो गिरावट आ भी चुकी है और कंप्लीट भी लगभग लगभग कर चुकी है। देखिए इसमें करना क्या है हम लोगों को, तो देखिए मेरे हिसाब से अभी इसमें आप चाहो तो देखिए होल्ड करके चल सकते हो। होल्ड करने में मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गिरावट की इसकी संभावना नहीं है। गिरावट इसमें और अगर ज़्यादा होता है तो 7 रुपये 65 पैसे, ये इसमें एक परफेक्ट सपोर्ट का लेवल बन रहा है। जब तक 7 रुपये 70 पैसे 65 पैसे 60 पैसे के ऊपर ऊपर है तब तक आप लोग बिंदास होल्ड कर लीजिए। एक बार यहाँ से इसमें एक छोटा सा मोमेंटम आ सकता है, रिट्रेसमेंट ही इसको कहिए, 12 रुपये, तो 12 रुपये तक का तो एक मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। अब 12 रुपये के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तब फिर ये हम लोगों को ये वाली जो लाइन है 18 रुपये के आसपास का भी टारगेट दे देगा, नहीं तो फिर 12 रुपये को टच करके फिर से एक बार के लिए नीचे की साइड में आ सकता है। लेकिन एक चीज़ बस याद रखिएगा कि 7 रुपये 50 पैसे या 7 रुपये 60 पैसे जो भी है, इसके जब तक नीचे नहीं जाता है आप लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं, मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। हाँ इसके नीचे जाता है तो फिर आप लोग कुछ क्वांटिटी अपना 70% 80% क्वांटिटी सेल करके थोड़ी बहुत क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं, और फिर उसके लिए जो स्टॉप लॉस आप फॉलो करेंगे वो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 6 रुपये 25 पैसे का, ठीक है ना। तो लास्ट एकदम स्टॉप लॉस 6 रुपये 25 पैसे का रहेगा और छोटा वाला जो सपोर्ट बन रहा है वो 6 7 रुपये 65 पैसे पे रहेगा। देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।